होलिका दहन पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रह सकते हैं। आज पांडे हाथा से निकलने वाली होलिका दहन शोभा यात्रा में सीएम योगी शामिल हो सकते हैं। तो होलिका दहन शोभा यात्रा में पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में आज होलिका दहन का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा जहां पर सीएम योगी शिरकत करेंगे। विश्व टीबी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए संकल्प क्षय रोग मुक्त भारत को सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2025 तक सिद्ध करके स्वस्थ भारत की नींव और सुदृढ़ करनी है। आइए आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर हम सभी क्षय रोग के लक्षण और उपचार के प्रति जन जागरण का संकल्प लें। और चलिए एक बड़ी खबर, रामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेलर को टक्कर मारी है। तो हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हुए हैं, ये बड़ी जानकारी। मुरादाबाद में छोचक देकर ये वापस लौट रहे थे लोग, कोतवाली मिलक क्षेत्र के बाईपास के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है हादसे में। रामपुर में ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है। विशाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, हादसे को लेकर अभी क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मिलक में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक मुरादाबाद से छोचक देकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्राली में कुछ लोग लौट रहे थे, जिसमें जो ट्रक था तेज रफ्तार ट्रक ने जो था ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मारी है, जिसमें 3 महिलाओं की सहित 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी जो घायल है उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो मृतक हैंगे उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया विस्तार से आपने जानकारी दी खबर पर। रामपुर में ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है। फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम ने ब्रजेश कुमार उर्फ डिम्पू की 45,93,000 की अचल संपत्ति को कुर्क किया। इस मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर ब्रजेश उर्फ डिम्पू पर विभिन्न थानों में करीब 12 से ज्यादा मामले दर्ज है। देखिए, थाना शिकोहाबाद पर वर्ष 2022 में एक गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था 165/22। उसमें 2 शातिर अपराधी, एक धर्मेंद्र उर्फ डीके और ब्रजेश उर्फ डिम्पू, इनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई की गई थी। धर्मेंद्र थाना फरिया क्षेत्र का रहने वाला है और ब्रजेश उर्फ डिम्पू की संपत्ति लगभग 46,46,00,000 की है। ये सिकोहाबाद प्रॉपर का बुजिया का रहने वाला है। इस दोनों अपराधियों के विरुद्ध अन्य जो कार्रवाई है वो गैंगस्टर के तहत प्रचलित है। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी और शहर के प्रॉपर्टी डीलर विक्रम बाबू उर्फ विक्की अग्रहरी को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी सदर ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। दरअसल मामला साल 2017 का है, जहां पर गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के मनोज कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार शर्जील रजा उर्फ आतिफ के साथ मिलकर विक्रम बाबू अग्रहरी, संजय अग्रहरी और शंकु अग्रहरी ने जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री करा ली थी, साथ ही पैसे पर भी कब्जा कर लिया। थाना फरिया की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नगला फौजदार जाने वाले रास्ते पर तालाब के पास में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम मुनेश और मुकेश है। ये दोनों थाना नारकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 बाइकें, 2
हीरो स्प्लेंडर, एक बजाज पल्सर, एक बजाज डिस्कवर और साथ ही एक अवैध तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है और दो खोखे 315 बोर के बरामद हुए हैं। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद की फरीहा पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से चार चोरी की मोटरसाइकिल और असलहा बरामद किए गए। पकड़े गए शातिरों पर कई केस दर्ज है। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी और अब जाकर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। और अगली खबर आगरा से, जहां पर होली और रमजान को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। थाना पिनाहट क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बल ने फ्लैग मार्च निकाला। एसीपी भी यहां पर मौजूद रहे। क्षेत्रीय लोगों से पुलिस ने बातचीत भी की और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। कौशाम्बी में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा। 100 लीटर शराब और 300 क्विंटल लाहन यहां पर, माफ कीजिएगा, 30 क्विंटल लाहन यहां पर नष्ट की गई है। गंगा किनारे भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। बस्ती पुलिस ने चार चोरों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से दो पिकअप में चोरी के 19 ड्रम तारकोल बरामद किए हैं। पकड़े गए तारकोल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने शातिरों के पास से 10,000 कैश और मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ गिरफ्तार किए गए हैं जो दो पिकअप लेकर के और चोरी का काम किया करते थे। उनके पास से 44,000 से 10,600 रुपया भी बिक्री के बरामद किए गए हैं। ये कहाँ के लोग हैं जो पकड़े गए हैं? ये दूसरे जनपदों के रहने वाले हैं और आकर के रैकी करके या चोरी का काम किया करते थे। शाहजहांपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। थाना जलालाबाद के गांव सराय सांधो की ये घटना है जहां पर युवक का शव मिला। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मुरादाबाद में एक युवती की बेहोशी की हालत में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद युवती को संभल पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला संभल से ही जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोप युवती के पिता पर लगे हैं। आरोप यह है कि पिता ने ही बेटी को वैश्यावृत्ति के दलदल में धकेला। तभी से युवती कई तरह की परेशानियों से जूझ रही थी। आरोप रिश्ते में लगने वाले भाई पर भी लगे हैं। उसने युवती को बंधक बनाकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया। जैसे तैसे युवती इस जंजाल से निकलकर यहां तक पहुंची है। अपने पिता एवं फेरे भाई पर 5 माह पूर्व संभल से दिल्ली ले जाकर अनैतिक कार्य करवाने के लिए बेचने का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अग्निविधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर पूर्ण व्यवस्था कायम है।